यहाँ मैंने मुर्गी गलने के लिए रखी थी। गैस ये प्यारी बनी है। जवेरिया के टूटे हुए पराठे हम मिस कर रहे हैं, उसके टूटे हुए पराठों से बड़ा मज़ा आता था व्लॉग में। यहाँ तक वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। कल नहीं आया था व्लॉग क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, जिया गई थी काफ में से आई फिर मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हो गया था कि फिर मैं सो गई। मैंने सहरी का सहरी भी लेट हुई तो मैं बना नहीं पाई। जो है पप्पू आ गई हैं, जिया गई है, पप्पू आ गई हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इसलिए आज पप्पू पराठे नहीं खाती हैं, पप्पू के लिए इसलिए मम्मी रोटी बना रही हैं। वैसे तो पप्पू अपने हाथ की रोटी खाती हैं किसी के हाथ की भी नहीं खाती क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है भाई। वो खुद इतनी मज़े की रोटियां बनाती है ना, बिल्कुल पतली एकदम नरम नरम, इसलिए। अब बाकी अभी तो मम्मी बना रही हैं, वो खाएंगी तो बताएंगी कि कहाँ से मोटी थी उन्हें ना बिल्कुल नरम रोटी चाहिए होती है, हर जगह से सीखी हुई, और वो खुद भी बहुत अच्छी रोटी बनाती हैं। इसलिए बस अभी वो सो गई हैं, थकी हुई थी, अभी अभी उनकी आँख लगी है, इसलिए अभी हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी अपने पराठे बनने का इंतज़ार करेंगे। जैसे कि कल भी मम्मी ने सहरी बनाई थी, कल तो मेरे बहुत तेज सर में दर्द हो रहा था भाई, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, अभी तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। जवेरिया पराठे पारती है, मम्मी ने पाकिस्तान का नक्शा बनाया है शायद रोटी का। ये क्या वैसी रोटी बनाई है, ये कैसी रोटी बनाई है कि कैमरे में भी टेढ़ी दिख रही है? ले भाई कह रही है मोबाइल में टेढ़ी दिख रही है। गाइस आप लोग समझ रहे हैं, वैसे रोटी फूल गई है, पूरी जगह से सिकी हुई है। अच्छा ही लग रही है वैसे तो। बना देती हूँ। यहाँ दूध मैंने उबाल लिया है, गर्म कर लिया, और ये दही में अभी चीनी डालूंगी। यहाँ मैंने मुर्गी गलने के लिए रखी थी, सही है। अब जरा रायता दही चीनी डालूँ फिर दिखाऊंगी। सो यहाँ मैंने चीनी डाल दिया है, यहाँ रायता बन गया है, और यहाँ चार बजने वाले दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है। दूसरी वाली प्यारी बनी, दूसरी प्यारी बनी है, जला दी, सेकती है, जली भी नहीं होती, उनको कच्ची लगी। यहाँ पर पराठे बनने की बारी स्टार्ट हो गई है। जवेरिया पता नहीं क्या खा ली होगी, कल कभी ना पता बताया नहीं उसने क्योंकि जो है ना मोबाइल नहीं अलाओ। बस यहाँ जो है मुर्गी बन रही है, पीछे चाय बन रही है, और जवेरिया के टूटे हुए पराठे हम मिस कर रहे हैं, उसके टूटे हुए पराठों से बड़ा मज़ा आता था व्लॉग में। यहाँ तक के व्लॉग में मशहूर हो रहे थे उसके टूटे हुए पराठे। वे खैर कुछ भी था लेकिन बनते अच्छे थे, वो टूट जाते थे लेकिन बनते अच्छे थे। पूरे रमज़ान गुजर गए, कमल लोग भी नहीं आए हमारे यहाँ, ना हम गए, कोई भी नहीं आया ना, ना कमल आई। पठान वाले पराठे ये अभी भी नहीं बन रहे हैं। लो आटे की थोड़ी बात कर लो, हाँ। लच्छेदार उनको एक घंटे आधे घंटे या 15 मिनट रेस्ट करने पड़ते हैं। तेरा पराठा बना दूँ? हाँ चाय। सुबह यहाँ मेरा पराठा बन गया है, यहाँ चिकन भी बन गया है, और चाय भी बन गई है। अब हम करेंगे सहरी। बिल्कुल गोल पराठा बनाया मेरा, यहाँ सहरी स्टार्ट करेंगे। आज कर रही हूँ मम्मी के साथ, कल भी मम्मी के साथ ही करी थी भाई। चलो टाटा भाई, यहाँ अभी अभी अजान हो गई है, अब मैं जाऊँगी नमाज पढ़ने और करेंगे ब्लॉग का एंड। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।